ऐसा है, एक तो आपकी ये बात सही नहीं है कि मैं पिछले कुछ ही दिनों में आया हूँ। मैं यहाँ का बहुत पुराना वाकिफ हूँ। रत्ती हलके की मेन जो मुझे लगता है समस्या, ये रत्ती हलके को नशा मुक्त करना है। कोई भी प्रतिनिधि हो, जरूरी नहीं कि मैं ही हूँ, कोई भी प्रतिनिधि, वो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की पहली किरण, इतना अच्छा मौसम, एक नई सुबह, नई सुबह की शुरुआत जैसे हम लोग सैर से करते हैं रोजाना, तो आज भी हम लोग सैर के लिए ही पूरी टीम के साथ यहाँ आए हुए थे। तो हमारी मुलाकात हुई एक शख्सियत से जो आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर महावीर सिंह जी। रतिया से इन्होंने भाजपा के टिकट पर एक मजबूत दावेदारी पेश की है, तो आइए इनसे पूछते हैं कि किस तरह से ये अपने इलेक्शन को प्रोजेक्ट करके आगे का अपना प्लान बना रहे हैं। महावीर सिंह जी नमस्कार। नमस्कार महावीर सिंह जी, आप पिछले कुछ ही दिनों में एकदम से आए और जनता के दिलो दिमाग पर छा गए, क्या ऐसा जादू किया है आपने लोगों को? ऐसा है, एक तो आपकी ये बात सही नहीं है कि मैं पिछले कुछ ही दिनों में आया हूँ। मैं यहाँ का बहुत पुराना वाकिफ हूँ और मैं सिरसा का ही रहने वाला हूँ, तो मैं यहाँ लगा हूँ भाजपा के लिए मैं कार्य करता हूँ। 2014 के इलेक्शन में भी मैं यहीं था, पूरे रतिया हलके में मैंने पार्टी के लिए काम किया, और अब एमपी के जो इलेक्शन था इसमें भी मैंने पूरे सिरसा हलके में ही पार्टी के लिए काम किया और रतिया के लिए भी किया। तो मैं ये नहीं है कि मैं कुछ ही दिनों में आया हूँ, मैं पार्टी से और हलके से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ। तो किस तरह का आपका बैकग्राउंड, कहाँ से आपने शुरू किया था राजनीतिक सफ़र या अपना जो काम का, जो डॉक्टर हैं आप बाय प्रोफेशन, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, सरकारी सेवाएं आपने दी हैं अपनी, उसके बारे में दर्शकों को कुछ बताइए सर। देखिए, मैं जो है मेडिकल पैथोलॉजी में मेरा प्रोफेशन है और बेसिकली मेरे पूर्वज और सिरसा से ही बिलोंग करता हूँ। अभी भी मेरा मकान छत्तीसगढ़ पट्टी में है और आड़त की एक दुकान भी छोटी सी अनाज मंडी में मेरी है, जिस पर कि मेरा छोटा बेटा कार्य करता है। और पढ़ाई के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब में आया, तो मेरी सबसे पहली पोस्टिंग फरीदाबाद में ही हुई थी। उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं किसी तरह सिरसा में या फतेहाबाद में पोस्टिंग ले लूं, तो यहाँ के लोगों की भी मैं सेवा कर सकूँ। तो कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए मेरी सिरसा सिविल हॉस्पिटल में भी पोस्टिंग रही है। तो उसके बाद भिन्न भिन्न शहरों में सरकार बदली करती रहती है, तो उसी हिसाब से मेरा लोगों को ये लग रहा है कि ये बाहर का कैंडिडेट, लेकिन मैं बाहर का कैंडिडेट नहीं हूँ, इसी रतिया हलके से ही बिलोंग करता हूँ। सारी रिश्तेदारियाँ मेरी हलके में, और लोगों की पूरी कार्यशैली से, रहन सहन से, उनके बर्ताव से मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। तो रतिया हलके की किन समस्याओं को आपने सबसे ज्यादा मतलब नोटिस किया है, जिन पे आप काम करके रतिया हलके के लोगों को किस तरह से मतलब आप सोच रहे हैं कि उनका भविष्य? रतिया हलके की जो समस्याएं, मैं 2014 में जब मैं यहाँ पार्टी के लिए कार्य करता था, तब भी मैंने ये समस्याएं देखी थी। नशा जो है युवाओं में, रतिया हलके में बहुत छाया हुआ है, जिससे युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। और नशा मुक्ति एक अभियान में चलाता भी हूँ, मैं गांव-गांव में जाके लोगों को, बच्चों को, युवाओं को समझाता भी हूँ। रतिया हलके की मेन जो मुझे लगता है समस्या, ये रतिया हलके को नशा मुक्त करना है। वो कैसे होगा? वो लोगों से मिलके होगा, अकेला कोई आदमी नहीं कर सकता। जब तक लोग साथ नहीं देंगे तभी रतिया हलका नशा मुक्त हो पाएगा। इसमें हमें थोड़ी प्रशासन की भी मदद की जरूरत होती है, ताकि जो लोग ये गलत काम करते हैं, जो नशे की दवाइयाँ बेचते हैं, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। दूसरा, रतिया हलके में एक में लोग यहाँ के बड़े भोले लोग हैं, सिंपल लोग हैं, कोई ज्यादा उनकी डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है। युवाओं को रोजगार मिले, ये एक मेरा मिशन है, तो किसी भी तरह का रोजगार मिले, कुछ जरूरी नहीं
सरकारी नौकरी ही हो, छोटे छोटे लघु उद्योग हैं और कोई छोटी इंडस्ट्रीज है, बल्कि मेरी फरीदाबाद में नौकरी रही है तो ज़्यादा 100-150 लोग मैंने इधर के नौकरी पे वहाँ बच्चे लगाए हैं विन विन फैक्ट्रीज में। दूसरा मेरा एक ये है मिशन रतिया हल्के के लिए, क्या पूरे भारत का मिशन है। मोदी जी ने 15 अगस्त को अनाउंस किया था कि भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। जी जी, आप काफ़ी समय से इसके लिए काम भी कर रहे हैं। मैं काम कर रहा हूँ और पुरानी चादरें बेडशीट वगैरह घरों से एकत्रित करके उनसे कपड़े के थैले से ला के मैं लोगों में वितरित बगैर किसी शुल्क के करता हूँ। जी, तो इस अभियान पे मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि पॉलीथीन मुक्त भारत, पॉलीथीन मुक्त हरियाणा और पॉलीथीन मुक्त रतिया। मैंने रतिया हल्के के कई गांव में, रतिया में, शहर में कपड़े के थैले भी वितरित किए हैं ताकि इस हल्के को प्लास्टिक मुक्त बनाया जाए। तो ये थैले किस तरह से, कहां से बनवाते हैं सर आप? ये थैले में कुछ ज़्यादा ये नहीं है, कहीं से खरीदता नहीं हूँ। एक हमारी एनजीओ है जो कि घरों से पुराने चादर, लोई, तकिए, जो भी पुराना घर में यूज नहीं होता हो वो हम उनसे कलेक्ट करते हैं। जी, और उनसे कलेक्ट करके हम जो हमारी गरीब महिलाएं गांव में सिलाई का काम करती हैं उनसे हम ये थैले सिलवाते हैं। 10-12 रुपये सिलाई के उनको हम देते हैं। तो ये थैला हमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ रहा, 10-12 रुपये का ही पड़ रहा है, जो सिर्फ सिलाई की ही कीमत देनी पड़ती है और उन गरीब महिलाओं का भी काम चलता है। तो ये थैले हम फिर वितरित करते हैं, यानी कि उनको एक प्लास्टिक मुक्त के साथ साथ रोजगार भी दे रहे हैं। प्लास्टिक मुक्त के साथ साथ स्वच्छता अभियान के साथ साथ हम उनको रोजगार भी दे रहे हैं। और स्वच्छ भारत मोदी जी का एक नारा है, पूरे भारत को स्वच्छ बनाना है, प्लास्टिक मुक्त बनाना है। बहुत सी बात है डॉक्टर। अब जो मोदी जी जिस तरह से मैंडेट इनको मिला था पूरे भारत के अंदर, एक तरफा जिस तरह से पूरे मतलब विपक्षियों का तो सुपड़ा ही साफ कर दिया था, ऐसा ही कुछ लक्ष्य लेकर अभी हरियाणा में भी मनोहर सरकार मतलब कार्य कर रही है, तो उसके बारे में कुछ क्या आपका? देखिए, लोकसभा के चुनाव में जनता ने मोदी जी की कार्यशैली को देख करके, मोदी जी के स्वभाव को और कामों को देख के दूसरी पार्टियों का लगभग सुपड़ा साफ कर दिया और पूर्ण बहुमत के साथ मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है। इसी तरह से हरियाणा में भी माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 5 साल में जितने भी विकास कार्य हुए हैं, आज तक नहीं हुए और ईमानदारी से हुए हैं। युवाओं की नौकरी लगी है बिना पर्ची, बिना खर्ची, और ये ऑनलाइन सिस्टम शुरू हुआ है। कोर्ट में, तहसीलों में लोग महीने महीने जिस काम के लिए धक्के खाते रहते थे वो काम ऑनलाइन एक दिन में ही हो जाता है। इस तरह से और भी ब्याज माफी की स्कीम है माननीय मनोहर लाल जी की, तो लोग मनोहर लाल जी को पसंद करते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 75 पार नहीं, ये 85 पार न हो जाए आपकी बार। इतना लोगों का जन सलाभ, ये जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, ये आप लोग देख ही रहे हैं कितना लोग प्यार करते हैं मनोहर लाल जी से, और जहाँ भी वो जाते हैं जन सलाभ उमड़ कर आता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। हम उम्मीद करेंगे कि इसी जो आपकी सोच है इससे पार्टी भी खुश हो और आपको एक कैंडिडेट बनाकर रतिया विधानसभा से उतारे। और अब हमारे दर्शकों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो सर? दर्शकों को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए, जो भी आप प्रतिनिधि अपने एरिया का चुने, सबसे पहले तो प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये एक बहुत ही जरूरी है। कई बार हम ऐसे बगैर सोच समझ के वोट कर जाते हैं, ऐसा प्रतिनिधि चुन लेते हैं जो लोगों की समस्याओं को पटल पर न रख सके, विधानसभा में उन समस्याओं को उठा न सके, जिसको थोड़ा सा ज्ञान न हो राजनीति का। तो लोगों को मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ, कोई भी प्रतिनिधि हो, जरूरी नहीं कि मैं ही हूँ, कोई भी प्रतिनिधि, वो पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और जिसको लोगों के बारे में, लोगों की समस्याओं के बारे में, रतिया हल्के इसकी समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से परिचित हो,